तीन साल पहले बांधी थी। दो तीन साल से मैंने अपने भाई को राखी नहीं बांधी है। मेरा भाई मेरे को रुपए नहीं दे रहा, 50 रुपए में टरका दिया। अब तो बड़े हो गए, मैं पहले मेरे को 10 रुपए से ज्यादा नहीं देता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7:30 बजे से, और सबसे पहले आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है मेरा व्रत, अभी मैंने पूजा वगैरह भी सब कुछ कर ली है, उसके साथ है आज रक्षाबंधन। मेरी दादी जिंदा थी तो मेरी दादी सबसे पहले बोलती थी कि पहली राखी भगवान जी को चढ़ाते हैं। तो अब दादी नहीं है, पर नियम हमारे अभी भी वैसी हैं, तो सबसे पहले राखी चढ़ा रही हूँ मैं भगवान जी को। और अभी आ रखा है शौर्य, तो शौर्य को मैं राखी बांध देती हूँ। अभी मैंने शौर्य पे राखी बांध दी है, तो मेरे पैसे दे रहे। आप तो बोल दो, मैं तो कुत्ता हूँ, कुत्ते के पास तो फिर नहीं रहते, कुत्ते के पास नहीं रहते भाई। तो लेके आता ना भाई, आज तो होने चाहिए कुत्ते के पास भी पैसे। कल फिर भी मैंने आपसे रुपए लाए, अभी भी 500 को लौटे, ठीक है? मां कसम, लो आपके लिए। मैंने कल बोला था ना दीदी, यही मिलेगा। और टिंगू लाया है, अब इस आपको बहुत सारा सामान है। दादी ने 1 रुपए की 2 प्लेट तो खाएंगे। और इसने अपना वादा बखूबी निभाया है, मुझे दिए हैं 1 रुपए और इसकी राखी। पहले इसकी राखी दिखाती हूँ मैं सबको। ये है इसकी राखी, और इसकी राखी पर लाइट भी आती है। और ये देखो इसकी लाइट वाली राखी, ये कल खुद गया था अपनी राखी चूज करने के लिए, तो मैंने बोला था कि मैं दिखाऊंगी आपको इसकी राखी। तो ये है इसकी राखी, ये अपने मन की करता है, जो इसे चाहिए होता है वो ये लेके रखता है, और मुझे दे रहा है अभी 1 रुपए। मैंने कल ही बोला था ना, मैं बहुत बहुत धन्यवाद 1 रुपए देने के लिए। मैं तो कुत्ते के पास पैसे ही नहीं होते, वो मुझे आज दिख गया। हाँ, बस बड़ी मुश्किल करके 1 रुपए लाए मैं तो, बड़ी मुश्किल से ये मिले। 1 रुपए इम्पोर्टेंट है भाई, 1 रुपए थोड़ी छोड़ना मैंने। और शौर्य पे तो मैंने राखी बांध दी है। तो मेरा भाई इतना कम बुद्धि है कि मैंने उसे कल फोन करा कि आजा राखी बांधने के लिए। पहले उसने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, फिर मुझे कॉल करा कि आऊँ या ना आऊँ, फिर मुझे बाद में कॉल कर रहा कि नाराज तो नहीं हो रही कि तू, मैं नहीं आ रहा। ठीक है, तो भाई तुझे आना चाहिए था आज, तू नहीं आया। देख लो, फोन किया, बोला कि आजा, बोला मैं नहीं आ रही। ऐसे बोलती हूँ कि मैं। और सबसे पहले हमने प्लान करा था कि हम जाएंगे मसूरी मेरी बहन के यहाँ। मेरी बहन, जो मेरी अपनी बहन है, वो रहती है मसूरी, तो उनकी थी आजकल तबीयत ख़राब, तो उसने बोला कि यहाँ मत आ, कहीं तेरी भी तबीयत ख़राब ना हो जाए, तो इसकी वजह से हम नहीं गए वहाँ। तो फिर मैंने अपने भाई को बोला, मेरे भाई को तो फुर्सत ही नहीं है, मेरे भाई के अभी प्रैक्टिकल हैं, शायद वो इसकी वजह से नहीं आया। तो कोई बात नहीं, वैसे काफ़ी साल हो गए हैं मैंने अपने भाई बहनों को राखी नहीं बांधी है, लगभग 2-3 साल पहले बांधी थी। 2-3 साल से मैंने अपने भाई को राखी नहीं बांधी है, तो इसीलिए मैं उसे बुला रही थी कि आजा इस बार, मतलब कि मैं हूँ घर पे, तो आजा, पर वो आया ही। और यहाँ है नब्बू और मोहित, उनको भी बांधने चलती हूँ मैं राखी। और जो शौर्य है वो मेरी सबसे छोटी चाची का बेटा है, और सबसे छोटा है ये भाई बहनों में, और जो नब्बू है वो इसी का भाई है। आ गई हूँ मैं मोहित और नब्बू को राखी बांधने के लिए, तो पहले इनको भी राखी बांध देती हूँ। ये है मोहित, जो मेरी बटी है, उनका भतीजा है ये।
अभी लगभग मैंने सभी पे राखी बांध दी है और ये इसने दो रसगुल्ले घर ही खा दिए थे, ठीक है। और अभी बुढ़ मुझे रसगुल्ली नहीं मिले, मेरे रसगुल्ले सबने खा दिए। इतना बदतमीज है ये, बदतमीज है मेरी गली। अभी समय हो रहा है 11 बज रहे हैं और धूप लगी है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो भी सीलन के कपड़े होते हैं जब धूप लगती है सारे धूप पे सुखा दिए जाते हैं, तो मेरी मम्मी ने थोड़े बहुत कपड़े आज भी धूप पे सुखाने डाल दिए हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:20 हो रहे हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ गौटा अपनी बाठी को पानी पिलाने के लिए। बटी ने बोला था मुझे कि गौटा जाना और बाठी को पानी पिलाना, तो अभी चलती हूँ मैं। अभी धूप ज़्यादा होने के कारण हमने बांध रखा है नन्नी को अंदर, तो अभी मैं नन्नी को पानी पिला देती हूँ। और अभी जैसी मैं अपने गौटे में आई थी वैसी आ गई है मेरी ताई जी, जैसी मैंने नन्नी को पानी पिलाया वैसी मेरी ताई जी भी आ गई है घास लेके। और भयंकर ज़्यादा धूप हो रही है, और जैसी मैं यहाँ आई तो मैंने यहाँ देखा यहाँ भी मेरी बड्डी ने घयू डाल रखा है, तो इसको जैसी खेत से लेके आते हैं तो उसको सुखाते हैं, फिर सुखाने के बाद इसको स्टोर किया जाता है सर्दियों के लिए। काफ़ी लंबे समय तक ये काम आता है, पर पहले इसको धूप में सुखाना पड़ता है। जब ये धूप में पूरा सूख जाता है उसके बाद इसको स्टोर किया जाता है, और फिर ऐसे रख के इसको ऐसे स्टोर किया जाता है। ये वाली घास तो पूरी सूख गई है, पर जो ये है ये अभी मेरी ताई जी ने सुखाने डाल रखी है। जब लगभग पूरी सूख जाएगी उसके बाद इसको भी ऐसे स्टोर किया जाएगा। काम आता है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में हरियाली नहीं होती है तो घास की फिर काफ़ी कमी हो जाती है, तो इसीलिए इसको स्टोर करके संभाला जाता है। अभी मैंने अपनी बाठी को पानी भी पिला दिया है और अभी मैं जा रही हूँ घर। बहुत भयंकर धूप हो रही है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे यहाँ जख्या भी होता है। यहाँ पे मेरी ताई जी यानी कि संध्या की मम्मी ने जख्या बो रखा है, तो जख्या हो रखा है ये। अब जब इससे दाने निकलेंगे तब दिखाऊंगी मैं आपको। और अभी हम यहाँ पे खा रहे थे खीरा, तो बात छिड़ी मेरी और संध्या की शादी की, तो संध्या की शादी अब होने ही वाली है। और मैंने बड्डी को ऐसे ही बोला, मैंने कहा मैं भी ज़्यादा टाइम की मेहमान नहीं हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा होंगी तो 6 महीने की। और मेरी बेटी अभी रोने लग गई है कि मैं कैसे रहूंगी कि तेरे बिना। ये देखिए बिल्कुल सीरियस तरीके से मेरी बेटी रोने लग गई। अभी जब इनके ये हाल हैं तो जब मैं जाऊंगी तब कैसे हाल होंगे। शायद इनके चक्कर से ही मुझे लड़का नहीं मिल रहा है, ये चाहते ही नहीं है कि मैं यहाँ से जाऊँ, क्योंकि ये पहले ही रोना धोना शुरू कर देते हैं, इसलिए इतने टाइम से मुझे लड़का ही नहीं मिल रहा है। मेरे घर वाले ढूंढ ही नहीं पा रहे लड़के को। अभी टाइम हो रहा है, दिन के 1 बज गए हैं, तो मैं मम्मी के लिए खाना बना देती हूँ। और चावल तो मेरी मम्मी खाती नहीं है, तो सिंपल सी रोटी सब्जी बना देती हूँ मैं अपनी मम्मी के लिए। और अभी मैंने अपनी मम्मी के लिए खाना भी बना दिया है। और अभी समय हो रहा है 5:00 अभी मैं और मेरी माँ जा रहे हैं थोड़ा आगे तक घूमने के लिए। और जैसे ही हम घूमने के लिए जा रहे थे तो हमें मिले हैं दादी और मेरी दादी, दूसरे नंबर की दादी, और मेरी मम्मी तो थी। तो अभी हम सब जा रहे हैं घूमने के लिए, और मेरी दादी बोल रही है कि यहाँ पे जहाँ पे हम आ रखे हैं यहाँ से मेरी दादी बल भयंकर घास ले जाती थी, और अब यहाँ घास नहीं है, अब यहाँ बासिया है। तो यही होता है बुढ़ी, समय समय का होता है सब याद बनाना दादी होने होना। तो दादी को बल बहुत याद आ रही है, दादी मुझे बोल रही है कि यहाँ से मैं भयंकर किसान थी। किसान से रहते किसान था तो मेरी दादी बोल रही है कि मैं इतनी किसान थी बल कि दो दो भैंसे रहते थे मेरे, और धौंदरी में बल ऐसी किसान कोई थी नहीं जैसी मेरी दादी थी। और ये है मेरी दादी अब। और जब बल मेरी दादी अपनी जमाने की किसान थी तो तब मेरी दादी का नाम अखबारों में छपता था कि फलानी देवी वहाँ की भयंकर किसान है, ऐसा होता था। अभी हम जिस पुल के ऊपर खड़े हैं, ये पुल है सीरी गाँव का पुल, ये जाता है सीरी गाँव के लिए। और यहाँ पे आ रखी है आयुषी, इस बेचारी को बस सुबह से फुर्सत नहीं मिली, तो ये अभी बांध रही है अपने भाइयों पे राखी, और राखी बांध रही है, फिर बोल रही है कि 100 रुपए देगी। इसको 100 रुपए देने थे, मेरा भाई मेरे को रुपए नहीं दे रहा, 50 रुपए में टरका दे। अब तो बड़ी हो गई, मैं पहले मेरे को 10 रुपए से ज्यादा नहीं दे सका, अब मेरे को 50 रुपए में टरका। गाइस आप प्लीज इसको बोलो मेरे 100 रुपए दे दे कम से कम, दे इसे 100 रुपए चल। और अभी फाइनली इतना मनाने के बाद अंशुल तैयार हो गया आयुषी को 100 रुपए देने के लिए, और आयुषी को मिल गया 100 रुपए। बोलते हैं जहाँ पे 4 औरतें मिलती हैं वहाँ पे तो ऐसे मतलब कि किसी बात पे विचार ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। दादी और दादी लग रखी है आपस में विचार करने पे कि पहले हम यहाँ से घास ले जाते थे, अब पहले हम यहाँ से घास ले जाते थे, और पहले हम यहाँ से पीटा ले जाते थे, पर अभी ये यहाँ घूमने आ रही है, तो इतना भयंकर परिवर्तन हो गया है इनके जीवन में। कभी ये आती थी यहाँ से घास लेके जाती थी और बेचारी थक जाती थी होगी, और अब ये आ रही है यहाँ पे घूमने।
तो अब इनके लिए अच्छा टाइम है ना, पर अब इनके लिए अच्छा टाइम नहीं है, पहले इनके लिए अच्छा टाइम था क्योंकि पहले इनकी एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ उसी से हो जाती थी, और अब कुछ नहीं, अब सिर्फ शरीर फूल रहा है और कुछ नहीं। मेरा भी सेम है, मैं भी पहले यहाँ से घास वगैरह सब कुछ ले जाती थी, और अब मैं यहाँ घूमने आ रही हूँ और अब मेरी बस की चलने की भी नहीं होती है। और आईसी को पैसे देने के बाद अंशुल बैठा है सबसे अलग, अंशुल का हो गया है नुकसान तो अंशुल इसकी वजह से उदास बैठा हुआ है अकेले। इस बुढ़ली की बस की तो कुछ है नहीं, और अभी बोल रही इधर घास नहीं है उधर घास नहीं है, ठीक है, और घर पे तो कुछ काम धाम होता नहीं है, और यकपनी आई घास आ रही अकड़कते हैं। तो 5 रुपया यू ये काम कर जा रही, 2 रुपया 5 रुपया को काम नहीं है। तो अब मेरी दादी बल घास काटेगी और पैसे जमा करेगी, और फिर मेरी दादी जब मरेगी तो मेरे भाई लोग बोलेंगे बल्कि ई भाई मेरी दादी का त्याग बढ़िया थे, इतना सारा पैसा रखा है। दादी की और मेरी मजाक तो चलती रहती है, इसीलिए मैं दादी को प्यार से बुढ़ली बोलती हूँ। लगभग हम सभी लोग दादी को प्यार से बुढ़ली बोलते हैं, इसलिए दादी इस बात का बुरा भी नहीं मानती है। दादी को अच्छा लगता है जब हम दादी को बुढ़ली बोलते हैं। अभी हमारा घूमना वगैरह भी सब कुछ हो गया है, तो अब हम जा रहे हैं घर। मैं छोटी थी तो मैं छिंतियाल लाती थी, और अभी दिखा है मुझे काफ़ी टाइम के बाद, मैंने सोचा घर लेके जाती हूँ। पहले मैं संध्या पूजा दीदी लोग सब बहुत आते थे जंगल में इनके लिए, और कभी कभी तो दो दो चक्कर आते थे, और आज टाइम चेंज हो गया है, आज काफ़ी समय बाद दिखा मुझे ये, तो मैंने सोचा इसको घर लेके जाती हूँ। सौर्य ने दिए मुझे 1 रुपये, और 1 रुपये देने के बाद ये पुरसत से सो गया है और अभी उठ रहा है, और नीचे पे एक बहन अपने भाई से लड़ रही थी कि मुझे 100 रुपये दे, और मैं इससे लड़ भी नहीं सकती क्योंकि ये फिर मुझे मारेगा। धमका कैसे रहा कि 1 रुपये दिया ना, चुप रहो चुपचाप करके खा लो, उन्हें क्या आता है 1 रुपये का। अच्छा 2 ग्लास टॉफी खाऊंगी मैं, मेरे पेट इतना बड़ा। अभी पहुंच गई हूँ मैं घर, अभी टाइम हो रहा है 6:30, तो अभी मेरे कथे बढ़ने का टाइम हो गया, तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता बगड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।